का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपको तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दोस्तों फ्रेश विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्हें स्कूल लेक्चरार जो रिजल्ट था दोस्तों सभी 18 विषय का दोस्तों आज तक रिजल्ट आ चुका दोस्तों। यानी कि ये 5 अप्रैल 2023 से लेकर दोस्तों आज तक यानी 12 जून 2023 तक दोस्तों 18 विषय का रिजल्ट आ चुका दोस्तों। अब इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही दोस्तों, इनकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोस्तों का शेड्यूल जारी कर दिया गया दोस्तों। इससे पहले बता दूं दोस्तों 3 विषय हैं दोस्तों, जिनमें 3 विषय में आएंगे संगीत, पंजाबी और चित्रकला। इन 3 विषयों का तो दोस्तों जो काउंसलिंग हुई वो ऑनलाइन कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो 15 विषय बच गए उन सभी की काउंसलिंग दोस्तों आपको ऑनलाइन ऑफलाइन होगी। और वो काउंसलिंग कहाँ होगी इसकी जानकारी आपको देता हूँ। ये काउंसलिंग होगी दोस्तों 26 जून 2023 से 28 जुलाई 2023 तक चलेगी दोस्तों। यानी 1 महीने की काउंसलिंग चलनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग गुंगरा घाटे अजमेर जिले, यहाँ आपको स्वयं जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है वो विद्यार्थी यहाँ स्वयं उपस्थित होगा दोस्तों। इसकी विस्तृत जानकारी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हो दोस्तों। इसकी सारी जानकारी मैं आपको डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो दोस्तों। इसमें जिस विद्यार्थी का दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, 7 दिन पहले दोस्तों एक फॉर्म आएगा, ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, आप बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। 7 दिन पहले इसमें दोस्तों एक फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। उस फॉर्म में क्या होगा दोस्तों, उसमें फिर आपको उस फॉर्म को भरना है और इसके साथ आपके जो मूल दस्तावेज है वो लगाने। दूसरी आपको इसमें 2 फाइल बनानी पड़ेगी दोस्तों। दूसरी फाइल जो बनानी है दोस्तों वो अच्छी तरह बनाना दोस्तों फाइल, क्योंकि ये मामला होता है वहां यही देखा जाता है कि डिसिप्लिन मैन देखा जाता है। तो आप 2 फाइल बनाना, अच्छी तरह से बनाना, 2 फाइल लेके आना, उनमें डॉक्यूमेंट्स अपने रखना दोस्तों। पहली फाइल उसमें आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लस जो फॉर्म आएगा 7 दिन पहले आपको फॉर्म उपलब्ध होगा, उस फॉर्म को भर के फिर वो होगा दोस्तों। अच्छी तरह बनना दोस्तों, इसमें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यदि गलती हो गई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। 7 दिन पहले इसके फॉर्म आएगा, मैं आपकी जानकारी दे दूंगा दोस्तों उसके बारे में। उसकी 2 प्रतियां होगी, यानी दो, एक तो दोस्तों मूल दस्तावेज की, एक सेकंड होगी वो होगी फोटोकॉपी की। यानी सभी डॉक्यूमेंट्स की आपकी फोटोकॉपी की होगी दोस्तों। दोस्तों वही डॉक्यूमेंट्स लगाना जो आपने दोस्तों जब फॉर्म भरा था तब लगाए थे दोस्तों, ठीक है। आपके सभी दस्तावेज उसमें होंगे दोस्तों। इसके साथ आप बात करें दोस्तों, इसमें यदि कोई विद्यार्थी यदि गलत दस्तावेज लगाता है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स लगाता है, तो उसे अनुपस्थित रहता है, तो दोस्तों उसका दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए विद्यार्थी खुद स्वयं जिम्मेदार है। उन्हें स्पष्ट कहा है दोस्तों आरपीसी ने कि यदि कोई विद्यार्थी एबसेंट हो जाता है किसी कारण से, यदि बिना यदि वो कारण बताएगा तो उसकी मान ली जाएगी दोस्तों। लेकिन बिना कारण कोई एबसेंट हो जाता है दोस्तों, तो उसका यहाँ वो खुद स्वयं जिम्मेदार होगा दोस्तों इसके लिए। धन्यवाद दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दोस्तों। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। धन्यवाद।